CSS 2022 के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए और सबसे पहला पेपर इंग्लिश एसे का पेपर था। इंग्लिश एसे का पेपर जो है वो हम सब लोगों को सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। इसकी वजह ये है कि इसके अंदर फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। फेलियर रेट तकरीबन 95-97% लोग जो हैं वो इंग्लिश एसे में ही फेल हो जाते हैं। इंग्लिश एसे में लोग क्यों फेल होते हैं, उसके लिए तो मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जिसमें बड़ी बेसिक सी रीजंस हैं फेल होने की, और बहुत सारे लोगों की वो बेसिक्स ही मजबूत नहीं होती जिस वजह से वो फेल होते हैं। लेकिन हम इस वीडियो के अंदर इस साल के जो एसे है सीएसएस का 2022 का, उसके अंदर जो 10 टॉपिक्स आए हैं उनको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कौन सा टॉपिक कहाँ से आया और क्यों आया और इतना मुश्किल क्यों लग रहा है पेपर, और इस मुश्किल को आसान कैसे बनाया जा सकता था। ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए भी होगी जिन्होंने सीएसएस इंग्लिश एसे का पेपर जो है वो किया, और उन लोगों के लिए भी होगी जो अगले साल के सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें इस बात की परेशानी है कि वो एसे को किस तरीके से कवर करेंगे और किस तरीके से अच्छा एसे अटेम्प्ट करेंगे। तो इस वीडियो में ना सिर्फ मैं इस पे बात करूंगा बल्कि साथ साथ ये टिप्स भी देता जाऊंगा कि एक अच्छा एसे जो है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। हम सबसे पहले तो CSS 2022 एग्ज़ाम का जो एसे है वो देख लेते हैं। इसके टॉपिक्स आपको जो है वो एक एक करके मैं पढ़ता जाता हूँ। आप लोगों ने भी पेपर देखा होगा और जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारे पेपर के जो टॉपिक्स हैं वो लिखे हुए होंगे। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है एन एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स। क्यों पूछा गया ये क्वेश्चन, ऐसा क्या हुआ कि IR में से पेपर आया है? सब लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में से ऐसे का पेपर तैयार किया गया, ऐसा क्यों हुआ है? इसकी बहुत फंडामेंटल सी रीज़न है। इसकी रीज़न ये है कि इस वक्त दुनिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा बात चल रही है और दुनिया की तीन बड़ी पावर्स वो ग्लोबलाइजेशन को डिफाई कर रही हैं या ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रही हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है अमेरिका, दुनिया की सुपर पावर। हम देखते हैं कि पिछले 5-7 सालों के अंदर अमेरिका के अंदर ग्लोबलाइजेशन को रिवर्ट करने के लिए कितनी एफर्ट्स की गई, कितने एग्रीमेंट्स में से अमेरिका जो है वो बाहर निकल गया, और अमेरिका ने अपनी मार्केट्स को बूस्ट करने के लिए क्या क्या इकदाम किए जो ग्लोबलाइजेशन को बिल्कुल डिफाई करते थे, बिल्कुल उसे निगेट करते थे। ऑन द सेकेंड साइड हम देखते हैं कि चाइना जो है वो ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा उठाता रहा। अमेरिका ने ग्लोबलाइजेशन को देखते हुए पिछले 20 सालों के अंदर अपनी इंडस्ट्री चाइना में शिफ्ट कर दी। नतीजतन अब अमेरिका के अंदर जॉब्स ख़त्म हो गई और चाइना के अंदर जॉब्स बढ़ गई। जॉब्स बढ़ गई तो इकोनॉमी बूस्ट कर गई, इकोनॉमी बूस्ट की तो चाइना ने अमेरिका को टक्कर देना स्टार्ट कर दी। तो क्वेश्चन ये आया कि अगर मार्केट्स को ग्लोबलाइज़ कर दिया जाए, यानी प्रोडक्शन की जो मशीनरी है या प्रोडक्शन की जो फैसिलिटीज़ हैं वो किसी और मुल्क में हों, कंजम्पशन की किसी और मुल्क में हों, पैकेजिंग की किसी और मुल्क में हों, और ऑयल कहीं और से आ रहा हो, तो ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ ग्लोबल मार्केट्स होगा। इनको अगर ग्लोबलाइज़ कर दिया जाए, यानी हर मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर इन्हिसार करे इन मार्केट्स के लिए, तो उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा एक तरफ तो ये निकलता है कि बहुत सारे मुल्कों के अंदर जॉब्स ख़त्म हो जाते हैं, बहुत सारे मुल्क ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, और एक तीसरा फैक्टर जो हमने देखा अभी रिसेंटली फरवरी में जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, तो हमने ये देखा कि रशिया की ऑयल सप्लाईज़ या गैस सप्लाईज़ जो हैं वो एक बहुत बड़ी रुकावट है अमेरिका के ऊपर कि वो पाबंदियाँ आयद करे। और जो यूरोप है वो भी इस बात पे नहीं मान रहा, बल्कि इंडिया भी इस बात पे नहीं मान रहा, चाइना भी इस बात पे नहीं मान रहा कि वो रशिया से ऑयल लेना बंद कर दें। यानी दुनिया इतनी ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड हो गई है कि अगर कोई मुल्क दूसरे पे हमला करे तो उसको सज़ा देने के लिए भी आप जो है वो अपने फैसिलिटीज़ अपने मार्केट्स पे उस मुल्क के ऊपर डिपेंडेंसी ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये तीन जो बड़े आपने देखा है, एक अमेरिका, चाइना और रशिया। रशिया सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस देता है, अमेरिका जो है वो कंज्यूमर था और अमेरिका सबसे अमीर मुल्क था, चाइना जो है उसकी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही थी। तो इन तीनों मुल्कों का मॉडल जो था वो ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स के ऊपर था। तो जब इन तीनों मुल्कों के अंदर इख्तलाफात हुए, अमेरिका चाइना के दरमियान इख्तलाफात हुए या अमेरिका रशिया के दरमियान इख्तलाफात हुए, तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स पे क्वेश्चन आना लाजमी था। ठीक है, और इसके लिए मैंने स्पेशली आपको जो है वो 3-4 सेशंस करंट अफेयर्स क्लास के अंदर भी पढ़ाए थे जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। अगर आप जाकर देखना चाहते हैं कि उसमें मैंने क्या बताया था, तो एग्जैक्टली यही मार्केट इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन वाली बातें जो हैं उसके अंदर थी।
तो अगर आपने उन फ्री वीडियोस को देखा होता तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना लगता। बल्कि मेरे ख्याल में जिसने भी ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक कहीं से भी तैयार किया है, या जिसकी भी अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर के ऊपर या रशिया अमेरिका इशू के ऊपर गहरी नज़र होगी, उसको ये टॉपिक बिल्कुल हलवा लगता होगा। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना नज़र आ रहा है। बहरहाल हम इसको सेकंड कैटेगरी में डाल देते हैं येलो की, कि शायद हम इसके ऊपर अटेम्प्ट कर सकें या ना कर सकें। अगला टॉपिक देखते हैं, सेकंड टॉपिक, कि इसके ऊपर हम अटेम्प्ट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पिछले एक साल के दौरान अगर आपने अखबार पढ़ा हो तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे बात हो रही है, डिजिटल डेमोक्रेसी। सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ पार्टीज़ जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, उनकी एक्टिविटीज़ हैं डिजिटल डेमोक्रेसी एंड सोशल मीडिया। हमारी एक मुल्क की बहुत बड़ी पार्टी है, उसके लिए एक बहुत बड़ा ट्विटर ट्रेंड चलता रहा कई दिनों तक, डिजिटल डेमोक्रेसी। यानी कि अगर आपके पास जो है वो कुछ भी ना हो, मीडिया भी ना हो, तो आप आसानी से सोशल मीडिया के थ्रू आवाम तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारे इश्यूज पिछले एक साल के दौरान ऐसे थे जो गवर्नमेंट तक अदरवाइज़ नहीं पहुंचने थे, लेकिन लोगों ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके, हैशटैग्स बनाकर, ट्रेंड्स बनाकर गवर्नमेंट के ऐवानों तक चीज़ पहुँचाई और उस पर एक्शन हुआ। इसी तरीके से गवर्नमेंट जो भी एक्शन लेती है, लोग उसके ख़िलाफ़ या उसके हक़ में सोशल मीडिया पे ज़रूर लिखते हैं। नतीजतन डेमोक्रेसी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी जड़ें पकड़ती है, लोगों को ज़ुबान मिलती है, और मीडिया जो मैस मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, उसके ऊपर अगर कोई ख़बर ना भी चले तब भी लोगों तक गवर्नमेंट की खबरें पहुँचती हैं। तो ये डिजिटल डेमोक्रेसी का कमाल है। लोगों को, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोगों के ज़रिए हुकूमत, डिजिटल का मतलब है कि इंटरनेट की मदद से। तो लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, हर गांव-गांव, शहर-शहर के अंदर इंटरनेट यूज़ होता है, तो डिजिटल डेमोक्रेसी जो है ये इनेविटेबल है। तो इस ऐसे को अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आप इसके अंदर दो तीन पैराग्राफ्स लिखते, डिजिटल डेमोक्रेसी क्या होती है, फिर आप लिखते कि सोशल मीडिया ने इसके ऊपर किस तरीके से इम्पेक्ट किया, और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो किस तरीके से हो रही है सोशल मीडिया पे। तो तीन मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड हो जाता, एक हिस्सा छोटा होता डिजिटल डेमोक्रेसी, दूसरा हिस्सा सोशल मीडिया का रोल होता, और तीसरा हिस्सा जो है वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का रोल होता। और ये पाकिस्तान डिपेंडेंट टॉपिक नहीं है, ये किसी भी मुल्क के लिए लिखा जा सकता है। तो दूसरे मुल्कों की केस स्टडीज़ भी आप दे सकते हैं, और बार बार पाकिस्तान का जिक्र किए बगैर आप पूरी दुनिया का जिक्र भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने पेपर में पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से लिखा है तो इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा, क्योंकि सीएसएस के एग्ज़ाम में अंडरस्टूड होता है कि आप पाकिस्तान की तरफ से लिख रहे हैं। अगर हम थर्ड टॉपिक देखें तो वो फर्स्ट टॉपिक से मिलता जुलता है, ग्लोबल ट्रेड एंड ट्रेड पॉलिटिक्स ऑफ चाइना, ट्रेड पॉलिसीज़ ऑफ चाइना। अच्छा, अब इसके अंदर भी वही चीज़ है जो पहले वाली चीज़ है, कि चाइना कि ट्रेड पॉलिसीज़ किस तरीके की हैं, चाइना क्या कर रहा है, चाइना किस तरीके से ट्रेड करना चाह रहा है, और इसकी वजह से इंडियन ओशन के अंदर जो ट्रेड लाइंस हैं, जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, उनके अंदर किस तरीके से इश्यूज आ रहे हैं, स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो आपकी स्ट्रेटजी है वो क्या है, और इसके अलावा अमेरिका चाइना और रशिया चाइना के दरमियान किस तरह के ताल्लुकात हैं, BRI और CPEC क्यों हो रहा है, ये सारी ट्रेड पॉलिसीज़ का हिस्सा है चाइना की। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, लाजमी नहीं है कि आप हार्ड कोर पॉलिसी स्टेटमेंट ही पढ़ें और उसी पे कमेंट करें। आपको जो चीज़ें मालूम हैं आपने उसके ऊपर अपनी ओपिनियन देनी है। तो ये टॉपिक भी इतना मुश्किल नहीं है, ये भी करंट अफेयर्स में मैंने यूट्यूब पे कवर करवाया था और फ्रीली अवेलेबल था, आप अभी भी देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर जेनेरिकली भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है। आपको ट्रेड का पता है कैसे होता है, आपको ये पता है कि ट्रेड पॉलिसी किस तरह की बूस्ट होती करती है किसी मुल्क की इकोनॉमी को, और आपको ये भी पता है कि चाइना क्या क्या स्टेप्स ले रहा है अपने ट्रेड को आगे लेके जाने के लिए। पिछले 7-8 साल से CPEC की बात हो रही है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात हो रही है, तो ये कोई इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं था। ठीक है, तो बहरहाल हम सेकंड वाला तो रिलेटिवली इजी था, ये अगर आपको फिर भी डिफ़िकल्ट लगता है तो हम इसको येलो कैटेगरी में डाल देते हैं, और इससे ऊपर वाला डिजिटल डेमोक्रेसी वाला ग्रीन कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि इस पर कोई भी अटैम्प्ट कर सकता था। अच्छा जी, फोर्थ वन इज़ लिटरेरी ऐसे, इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन नॉलेज। ये आइंस्टाइन की कोट भी है कि एजुकेशन जो है वो आपको सिर्फ 1+1 2 सिखाती है, लेकिन इमेजिनेशन 1+1 11 भी सिखाती है। ठीक है, तो ये एक लिटरेरी टॉपिक था, ये एक ऐसा टॉपिक था जिस पे सब लोग बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकते, लेकिन सब लोग थोड़ा सा लिख सकते हैं।
अब ऐसे के अंदर थोड़ा सा तो नहीं लिखना होता है, ऐसे के अंदर तो बहुत ज़्यादा लिखना होता है। तो हमें जो है वो इस टॉपिक के ऊपर अगर हम ना अटेम्प्ट करें, अगर हम ख़ुद लिटरेचर बैकग्राउंड के नहीं हैं या हमने इस तरह के टॉपिक्स पहले नहीं पढ़े, तो हम अगर इसे ना भी अटेम्प्ट करें तो कोई मसला नहीं। तो हम इसको भी एक ऐसे ऐसे के अंदर डाल देते हैं जो जिस पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं लिखा जा सकता, या हमारे स्टूडेंट्स इस तरह से प्रिपेयर नहीं होते कि वो ज़्यादा ना लिख सकें। तो फर्स्ट फोर ऐसेज़ के अंदर एक ऐसे ऐसा रहा जो आप सारे लोग अटेम्प्ट कर सकते थे, दो ऐसे ऐसे रहे वो लोग अटेम्प्ट कर सकते थे जिन्होंने करंट अफेयर्स की अच्छी तैयारी की हुई थी, और एक ऐसे ऐसा है जो थोड़ा सा लिटरेरी टाइप है जो आप अगर लिखना चाहें तो आप ज़रूर लिखें, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स की उस पर तैयारी नहीं होती। अच्छा जी, फिफ्थ टॉपिक बहुत ही ओपन और बहुत ही आसान है, ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। जिसका IR बैकग्राउंड है वो ये टॉपिक कर लेगा, जिस स्टूडेंट ने करंट अफेयर्स अच्छे तरीके से पढ़ा है वो कर लेगा, जिसने थोड़ी बहुत भी अखबार पढ़ी है वो आसानी से ट्रेंड्स देख सकता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में किस तरह के ट्रेंड्स आ रहे हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्या असर पड़ रहा है। इसमें आप ये कर सकते थे कि 2/3 ऐसे जो है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस पे लिखते, 1/3 एंड वाला जो है वो पाकिस्तान परस्पेक्टिव पे लिख लेते कि पाकिस्तान पे कैसे असर पड़ रहा है। आखिर हम पाकिस्तानी हैं तो हमें जो है वो पाकिस्तान परस्पेक्टिव भी लिखना होगा। लेकिन ये बहुत ही ओपन एंडेड टॉपिक था और इसके ऊपर जितना आप सोच सकते थे उतना लिखा जा सकता था, इसलिए हम इसे भी ग्रीन कैटेगरी में डालते हैं। और अब दो ऐसे ऐसे हो गए हैं जो आप आसानी से हल कर सकते थे, एक डिजिटल डेमोक्रेसी और एक ग्लोबल पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस। अच्छा जी, सिक्स्थ एक प्रिडिक्टेबल टॉपिक था, हर साल 8 मार्च को औरत मार्च होता है, उस पर बहुत सारे लोग हक में लिखते हैं, उसके बहुत सारे लोग उसके ख़िलाफ़ लिखते हैं, लेकिन फेमिनिज़म का टॉपिक जो है वो हर साल या हर दूसरे साल आता है। तो टॉपिक आया है जी, कंट्रोवर्शियल इशू ऑफ फेमिनिज़म इन कॉन्टेम्प्रेरी वुमेन राइट्स मूवमेंट्स। ठीक है जी, वुमेन राइट्स मूवमेंट्स चल रही हैं, फेमिनिज़म की फिफ्थ वेव चल रही है, पाकिस्तान के अंदर औरत मार्च होता है हर साल, तो इसके अंदर क्या इश्यूज़ हैं इन मूवमेंट्स के अंदर, और इन मूवमेंट्स की कंट्रोवर्सीज़ क्या हैं, इसको कैसे हल किया जा सकता है, और किस तरीके से ख़वातीन को हम बराबरी का हक दे सकते हैं विदाउट टेकिंग दिस मैटर इंटू एनी कॉन्ट्रोवर्सी। ठीक है, तो इस इशू के ऊपर आप सब लोगों ने तैयार किया होगा फेमिनिज़म से, क्योंकि हर साल आता है। अगर आपने पास्ट पेपर्स देख के तैयारी की होगी तो ये टॉपिक भी इतना मुश्किल नहीं था जितना आपको शायद लग रहा हो, लेकिन जेंडर स्टडीज़ भी अगर आपने पढ़ी है तो भी उसका एक बड़ा पार्ट जो है वो फेमिनिज़म है। तो इस वक्त तीन ऐसे टॉपिक्स हो गए जो प्रिडिक्टेबल थे, एक ग्लोबल पॉलिटिक्स वाला, एक जो है वो डिजिटल डेमोक्रेसी वाला, और एक फेमिनिज़म वाला। सेवन्थ नंबर पे आता है वर्ल्ड फूड सिस्टम्स द इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर। अगर तो पाकिस्तान परस्पेक्टिव में पूछा होता तो बहुत आसान होता, लेकिन वर्ल्ड परस्पेक्टिव में पूछा है तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। इसको हम रेड कर सकते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर एक स्पेसिफिक टॉपिक है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, और वर्ल्ड फूड सिस्टम्स के हवाले से तो मज़ीद स्पेसिफिक है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक मुश्किल टॉपिक था और इस पे अटेम्प्ट करना मुश्किल था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या इस तरह के इश्यूज़ जो हैं इनको तैयार नहीं किया हुआ था। एट्थ नंबर पे आता है इज़ देयर सच अ थिंग एज़ एथिकल कंज्यूमरिज्म। मुश्किल टॉपिक है आप लोगों के लिए, मुझे तो ये अटेम्प्ट करने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि मैंने कंज्यूमरिज्म पे काफ़ी पढ़ा हुआ है, लेकिन नॉर्मल CSS के जो एस्पिरेंट्स हैं वो कंज्यूमर इकोनॉमी या कंज्यूमरिज्म पे इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते। हाँ, जिन लोगों ने इन्वायरमेंट पढ़ा हुआ है और वो देखते हैं कि लोग रेडीमेड और पैक चीज़ें पसंद करते हैं और जिसका इन्वायरमेंट पर कितना बुरा असर पड़ता है, इसके अलावा कंज्यूमरिज्म जो है उसके अंदर उसके बहुत सारे एथिकल डायमेंशंस भी आते हैं, तो अगर आपने ये इनको एक्सप्लोर किया होता तो आप इजीली कर लेते, लेकिन हम इसको एक मुश्किल टॉपिक मानते हैं आप लोगों के लिए। और थ्री टॉपिक्स ऐसे हो गए जो ज़्यादा मुश्किल थे, तो उसके अलावा फोर ऐसे थे जो आसान थे। नाइन्थ टॉपिक बहुत ही आसान था, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, दोनों का क्या ताल्लुक है। ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आती हैं तीन चीज़ें, एक आती है एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग यानी कि एजुकेशन, उसके बाद आता है मोर्टेलिटी रेट यानी कि हेल्थ, और तीसरे नंबर पे आती है आपकी एवरेज इनकम। तो ये तीन चीज़ें ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट होती हैं, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का बहुत सारी चीज़ें पार्ट होती हैं, लेकिन इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है कि अगर लोगों की एजुकेशन अच्छी हो, लोगों की हेल्थ अच्छी हो, लोगों की इकोनॉमी अच्छी हो, तो वो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को कैसे प्रमोट करती है, और अगर इकोनॉमी सस्टेनेबल हो, इकोनॉमी अच्छी हो, तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे करती है। तो ये दोनों का
कॉज और इफ़ेक्ट या दोनों का आपस में म्यूचुअली डिपेंडेंट जो है वो रिलेशन है। तो इसको जो है वो आप अगर इस एंगल से देखते हो, और आपने ह्यूमन डेवलपमेंट पे भी अच्छा खासा पढ़ा होगा क्योंकि ये आप HDI जो हमारा इंडेक्स है उसके बारे में भी देखते हैं, आपने बेशमार एसेज भी किए हुए हैं, और पास्ट में भी एक ऐसे आया हुआ है कि रियल डेवलपमेंट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट और इस तरह के और एसेज। तो ये एक प्रिडिक्टेबल टॉपिक था, एक ईजी टॉपिक था, और इकोनॉमी के ऊपर भी सब CSS की तैयारी करने वाले लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से इकोनॉमी होती है, इन दोनों का क्या ताल्लुक है, ये भी आप ईजिली डिवेलप कर सकते थे। और मैंने 2-3 दिन पहले एक करंट अफेयर्स की भी वीडियो आउट की थी जिसके अंदर बताया था कि आप कहाँ से अच्छा डेटा ले सकते हैं, तो उसमें मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट जो है कमीशन या वर्ल्ड बैंक, इनकी वेबसाइट्स दिखाई थी आपको, और ये बताया था कि आप इनसे अगर तैयारी करें तो आपको इन टॉपिक्स पे इजीली बहुत सारा डेटा मिल सकता है। इसका लिंक भी आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद 10th नंबर पे आता है जनाब, हाउ इज़ टेररिज्म एंड इट्स परसेप्शन शेप्ड बाय मैस मीडिया। जो टेररिज्म है क्या है, और मैस मीडिया यानी मशहूर जो मीडिया चल रहा है, जो बड़ा मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, वो टेररिज्म को किस तरीके से पोर्ट्रे करता है। ये क्वेश्चन जो है ये पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में भी देखा जा सकता है और वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में भी देखा जा सकता है। हम देखते हैं कि अमेरिका ने इराक पे जब हमला किया था तो उसने कहा था इनके पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन हैं, लेकिन बाद में वो नहीं मिले। इसी तरीके से बाकी बहुत सारे मुल्कों की ऐसी कैंपेन्स होती हैं दूसरे मुल्कों के ख़िलाफ़ जो टेररिज्म से रिलेटेड होती हैं, लेकिन वो असल में उनको जो है सपोर्ट नहीं कर रहे होते फैक्ट्स उनके साथ, ठीक है। तो इंडिया भी पाकिस्तान के बारे में बहुत सारे ऐसे एलिगेशन लगाता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, लेकिन ऐसा नहीं है, और उनका मैस मीडिया मुख्तलिफ वर्ल्ड फोरम्स के ऊपर ये चीज़ प्रोपेगेट करता है। तो आपने इन सब के परस्पेक्टिव में लिखना था कि असल में टेररिज्म क्या होती है और उसकी परसेप्शन कैसे बिल्ड की जाती है। मिसाल के तौर पर पैलेस्टाइन के अंदर लोग जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, उनको अगर ये कह दिया जाए कि ये टेररिस्ट हैं, या इसी तरीके से और मुल्कों के अंदर ऐसा हो रहा है, तो इसको सिर्फ पोर्ट्रे करने का भी इशू होता है। ये नहीं होता कि टेररिज्म इटसेल्फ एग्जिस्ट करती है, बल्कि उसको पोर्ट्रे करके भी टेररिज्म बनाया जा सकता है राइट्स मूवमेंट्स को भी। हाँ, बहुत सारे केसेस के अंदर टेररिज्म वाकई एग्जिस्ट करती है, जैसे पाकिस्तान के अंदर हम सब लोगों ने जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हमने ये देखा है पिछले 10-15 सालों के अंदर कि टेररिज्म ने किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को ख़राब किया और किस तरीके से जो है वो हमारी लाइफ पे गहरे असर डाले हैं। बहरहाल ये भी एक ईजी टॉपिक था। तो कुल मिला के आप जो है वो 5-6 ऐसे टॉपिक्स थे जो ईजीली अटैम्प्ट कर सकते थे अगर आपने अपना करंट अफेयर्स का टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार किया होता। 2-3 ऐसे टॉपिक्स थे जो मुश्किल थे, जो ज़ाहिर है नहीं तैयार किए जा सकते, और 1-2 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप जो है इस केस में तैयार कर सकते थे कि अगर आपने थोड़ा सा IR को पढ़ा होता या थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल के साथ चीज़ों को देखा होता। तो ऐसे का पेपर देखने में जितना मुश्किल लग रहा है, असल में उतना मुश्किल है नहीं। तो यही आपने जो है वो इसी स्पिरिट के साथ अगर 2023 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या PMS के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसी स्पिरिट के साथ आप करेंगे। यहाँ पे 1-2 अनाउंसमेंट्स हैं। एक तो ये है कि अगर आप PMS की तैयारी कर रहे हैं तो PMS के SA और प्रेसी के लिए मैं एक सेशन प्लान कर रहा हूँ, वो आप ज़रूर गिवन डिटेल्स के अंदर जो गिवन व्हाट्सएप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप CSS 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी अपकमिंग सेशंस जो हैं वो आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैं बाकी पेपर्स का भी ऐसे ही एनालिसिस बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके बारे में बाकी पेपर्स के बारे में भी बनाऊँगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड करता जाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।